दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग यूज करने वाले हैं और जिसका नाम है अफलातून स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी यूज करके आपको कम से कम 7 से 10% का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से स्टॉक पे आपको पोजीशन बनानी है, कब आपको एंट्री और एग्जिट लेनी है, और साथ में कौन से स्टॉक्स वहाँ पे आपको अवॉइड करने हैं। अगर आपको कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलती, कोई स्टॉक्स यहाँ पे नहीं मिलते, तो स्पेशली वो ट्रेड या स्टॉक शेयर्स बाय मत कीजिए। आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों जानते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए दोस्तों कहाँ पे हमें जाना है। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे चार्टलिंग पे आना है। ये स्क्रीनर का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे डेटा कभी कभी थोड़ा लेट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा डिले है 9:35 AM से, तो हम यहाँ पे 9:35 से हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स में हमें ट्रेड या पोजिशन नहीं बनानी है। इन स्टॉक में हम लोग इंडिकेटर्स चेक करेंगे कौन सा इंडिकेटर पास हुआ है। दोनों इंडिकेटर पास होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, हिंडाल्को, दीपक नाइट्रेट और है पावर ग्रिड। इन 3 स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे हमारा जो होने वाला है इंडिकेटर का लेवल वो चेक करने वाले हैं। इंडिकेटर पास आउट होने के बाद ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों हिंडाल्को का चार्ट देखते हैं। हिंडाल्को का चार्ट देखते समय हम लोग दोस्तों 2 चार्ट्स यहाँ पे लेने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 चार्ट्स यहाँ पे आपको कैसे करने हैं। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों डिस्प्ले का सेक्शन, वहाँ पे जाना है। डिस्प्ले के सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। डिस्प्ले का सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले का सेक्शन, और आपको नीचे आना है और यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स के यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 2 चार्ट्स के यहाँ पे, और एक में ऊपर डालना है हिंडाल्को NSE, और सेम आपको नीचे भी डालना है हिंडाल्को NSE। सेम ऊपर भी जो डालोगे दोस्तों वही स्टॉक आपको नीचे डालना है हिंडाल्को NSE करके, हिंडाल्को NSE। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकता क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों वो हाइकेन ऐसी के हिसाब से बुलिश कैंडल नहीं है। 100 और 200 के ऊपर भले ही स्टॉक हो दोस्तों, लेकिन आज की जो कैंडल है वो डॉजी है दोस्तों, ये बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है, ये डॉजी कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल नहीं है, तो हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते। हमारा एक इंडिकेटर यहाँ पे फेल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस, ये भले ही ग्रीन में हो लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेटर हमारा फेल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों। सेकंड स्टॉक जो है दोस्तों दीपक नाइट्रेट, हम लोग सेम यहाँ पे उसका 2 चार्ट्स देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करके डालेंगे दीपक नाइट्रेट को, नीचे भी हम लोग वही रखेंगे दीपक नाइट्रेट। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दीपक नाइट्रेट और यहाँ पे डन कर दूंगा, तो 2 चार्ट्स ओपन होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 चार्ट्स ओपन हुए और क्लियरली ये हमारा नो सिग्नल है क्योंकि ये स्टॉक 100 मूविंग लाइन के नीचे ही है। नीचे कैंडल भी जो बनी है वो बेरिश बनी है, मतलब हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते। ये स्टॉक तो हम लोग लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते। 100 मूविंग एवरेज के नीचे है, भले 200 के ऊपर है लेकिन 100 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, और दीपक नाइट्रेट का जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट प्राइस, ये भले ही यहाँ पे ग्रीन में हो लेकिन वहाँ पे चार्ट में हम लोग ने देख लिया कि ये जो है इसका फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस ग्रीन में होने के बावजूद भी हम लोग पोजीशन क्यों नहीं बना सकते। इसका रीज़न है कि चार्ट में हमने पता चल गया कि दोस्तों वो बेरिश कैंडल है, हम लोग वहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते। और थर्ड जो स्टॉक है दोस्तों वो पावर ग्रिड है, इसका भी हम लोग यहाँ पे डेटा चेक करते हुए 2 चार्ट्स हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हाई कैनवासी वाला, यहाँ पे डालेंगे पावर ग्रिड और नीचे भी सेम सिनेरियो डालेंगे पावर ग्रिड। तो ऐसे तरीके से दोस्तों मैं सुबह मॉर्निंग में अपना एनालिसिस होमवर्क करता हूँ और स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। दोस्तों पावर ग्रिड का यहाँ पे चार्ट्स ओपन हो गए, तो इसकी आज की कैंडल दोस्तों आपके सामने ही बनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी डॉजी टाइप ही है, इनडिसिजिव कैंडल बनी है, इसका मतलब आज भी ये बुलिश कैंडल नहीं बनी है और हम लोग को पोजीशन सिर्फ बुलिश कैंडल पे ही लेनी है दोस्तों। तो आज में ये भले ही 100-200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो लेकिन आज हम इसमें पोजीशन नहीं बना सकते। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली।
नहीं बना सकते पोजीशन। आपको राइट टाइम मौका मिलेगा दोस्तों कब आपको पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे और स्टॉक्स भी है दोस्तों, जैसे कि पीडी लाइट करके, इसका भी हम लोग डेटा चाहिए तो चेक कर सकते हैं कि पीडी लाइट में कैसे चार्ट्स बने हैं। पीडी लाइट का डेटा यहाँ पे देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, चार्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे पीडी लाइट का। सेम यहाँ पे आपको पीडी लाइट डालना है। एनएससी पीडी लाइट, एनएससी नीचे भी पीडी लाइट, एनएससी डालना है। और यहाँ पे डन कर देना है। अभी यहाँ पे देखिए पीडी लाइट का डेटा ओपन हो गया है। देखिए आज यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक का ट्रेड कर रहा है दोस्तों, आज ही क्रॉस किया है इसने और नीचे 200 की लाइन है। और कैंडल भी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे 200 और 100 के ऊपर ही स्टॉक है, बुलिश कैंडल दोस्तों। तो हम लोग अभी देख लेंगे, एक इंडिकेटर यहाँ पे पास हो रहा है, हम लोग देख लेंगे कि उसका फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस है एंट्री लेने के लिए। ये दोस्तों इंडिकेटर पास हो गया तो हम लोग को यहाँ पे डालना है दोस्तों पीडी लाइट इंडस्ट्रीज, पीडी लाइट। ये स्टॉक एज की वेबसाइट ऑलरेडी मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्री में अकाउंट खोलना है और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस चेक करना है, वो भी फ्री में। तो हम लोग राइट साइड स्क्रॉल करेंगे, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे निगेटिव में है दोस्तों। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे फेल हो गया तो हम लोग यहाँ पे इसमें एंट्री नहीं बना सकते। ऐसे आपको रिसर्च एनालिसिस करना है दोस्तों। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने स्टॉक्स मिलते हैं। मैंने तो ऑर्डली अभी 4 या 5 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, लेकिन सारे में हमको नेगेटिव इंपैक्ट मिला है, नेगेटिव इंडिकेटर मिले हैं। तो हम लोग आज इसमें कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं बना सकते, और स्टॉक्स ढूंढते रहिए दोस्तों। जब तक आप ढूंढोगे दोस्तों, आपको नए नए स्टॉक्स इसमें ऐड होते जाएंगे, और हमें रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद में ही आपको पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग का मामला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं और एक स्टॉक यहाँ पे ऐड करता हूँ, सीमेंस का ऐड कर लिया दोस्तों। यहाँ पे सीमेंस का चार्ट देख लेता हूँ, बाद में वापस 2 चार्ट देख लेता हूँ। सीमेंस डाल देता हूँ यहाँ पे, सीमेंस एनएससी, सीमेंस एनएससी ऊपर भी और नीचे भी, सीमेंस। इसके बाद हमें डन करना है, क्लिक करके छोड़ देना दोस्तों और डन। तो चार्ट ओपन हो चुका है आज के, देख सकते हैं दोस्तों कैंडल तो आज ही बुलिश ही है, 100 मूविंग और 200 मूविंग के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सेकंड इंडिकेटर के पास जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं डालूँगा सीमेंस, सीमेंस और राइट हैंड साइड में मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों आज मतलब कल का जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस है 13 दिसंबर का, वो नेगेटिव में है, तो हम लोग आज इसमें भी पोजीशन नहीं बना सकते। इसके पहले 3-4 दिन दोस्तों आप देख सकते हो सारे दिन यहाँ पे फ्यूचर इंटरेस्ट प्राइस पॉजिटिव में था, मतलब 10 दिसंबर को, मतलब हम लोग मंडे को यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के कैंडल्स भी हम लोग देख लेंगे कैसे सीमेंस के। देखिए ये जो कैंडल है ये दोनों भी बुलिश कैंडल है, उसके पहले 10 और 13 तारीख के, यहाँ पे देखिए 9 तारीख का भी डेटा जो है फ्यूचर ओपन पर, ये भी ग्रीन में ही है। तो हम लोग 9 मतलब 10 तारीख को पोजीशन बना सकते थे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 10 तारीख की कैंडल कौन सी है, ये 9 की है, ये 10 की कैंडल दोस्तों, ये जो लंबी बड़ी है ये 10 की कैंडल बड़ी है। तो 9 को हम लोग अगर देखते ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करते तो हम लोग 10 को अच्छा प्रॉफिट मिलता, बाद में 13 को भी अच्छा प्रॉफिट मिलता दोस्तों। लेकिन आज जो 14 की कैंडल बनी है वो भी बुलिश ही बनी है, लेकिन एक रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करें, क्योंकि इसका फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस 13 दिसंबर को निगेटिव में था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें बुलिश कैंडल से देखते हैं दोस्तों, दूसरे कोई भी कैंडल से हमें पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों। ऐसे आपको मॉर्निंग में एनालिसिस करना है, आपको रिसर्च करना है, और बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि आपको पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। आपको फोर्सफुली वहाँ पे पोजीशन या ट्रेड नहीं बनानी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।